हाय फ्रेंड्स, प्रगति दिस साइड मेरे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड 6 मार्क्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के। आज मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगी जो मोर देन 3 टाइम्स एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम्स एग्जाम्स में वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बट 10% टाइम्स लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा से भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हमारी 3 टाइम्स प्रॉब्लम आई हुई है। हमें इसमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा निकालना है। फंक्शन हमें गिवन है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 2π। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हमें डेरिवेटिव निकालना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एफ डैश एक्स निकालो, क्या हो जाएगा? कोस एक्स प्लस साइन एक्स। उसके बाद हमें इस डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 रखना होता है और एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। यहां से क्या आ गया मेरा, कोस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू, हम क्या कर सकते हैं, साइन बाय कोस, माइनस 1 इक्वल्स टू 10x हो गया। ठीक है, आप देखो 10x की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाय 4 पे। 10x इक्वल्स टू 1 कब होता है, 10 पाई बाय 4 पे। ठीक है, माइनस 1 कब होगा, 10 जो है किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर मैं मुझे चाहिए 10x इक्वल्स टू माइनस 1, तो मैं 10 ऑफ 2π माइनस पाई बाय 4 लिख सकती हूँ। मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट 2π माइनस समथिंग मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। सो 2π माइनस 5/4 मेरा क्या आ गया, माइनस 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 ऑफ 7π/4। ठीक है, एक तो ये वैल्यू होगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी 10 नेगेटिव होता है, तो मैं माइनस 1 को लिख सकती हूँ 10 ऑफ पाई माइनस 5/4, जो मेरा आ गया 10 ऑफ 3π/4। ठीक है, और पाई और 2π पे 10 ही रहेगा, चेंज नहीं होते हैं फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो एक्स की वैल्यूज क्या आ गई यहाँ पे, जहां पे माइनस 1 हो 7π/4 वैल्यू आ गई और एक 3π/4 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहां से एक्स की क्या वैल्यूज आ गई, 3π/4 एंड 7π/4। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है, एंड 3π/4 एंड 7π/4 लगा के देखना है। अगर वो लेस देन 0 है मीन्स वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, ग्रेटर देन 0 है मीन्स पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी विल फाइंड एफ डबल डैश एक्स। सो मेरा एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, यहां से माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब हमें वैल्यू डालनी है एफ डबल डैश में, पहले 3π/4 डालो, माइनस साइन ऑफ 3π/4 प्लस कोस ऑफ 3π/4। आप देखो माइनस एज इट इज साइन ऑफ 3π/4, 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और 3π/4 की वैल्यू क्या होगी, π/4 की क्या वैल्यू होती है साइन की, 1/√2। अब देखो कोस ऑफ 3π/4, 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, सो नेगेटिव साइन, और कोस ऑफ 3π/4 मतलब कोस ऑफ π/4 निकाल लो, 5/4 पे जो वैल्यू होती है दैट इज 1/√2। तो ये मेरा आ गया -2/√2। ये क्या है, लेस देन 0। एफ डबल डैश 3π/4 क्या आ गया, लेस देन 0। इट मीन्स एक्स इक्वल्स टू 3π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आ गया, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 3π/4 निकालो, यहां पे रख दो, साइन 3π/4 माइनस कोस 3π/4। अब देखो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। माइनस कोस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस ऑफ 1/√2, क्या वैल्यू आ गई, 2/√2। रैशनलाइज करेंगे क्या आ जाएगा, √2। ठीक है, सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, √2। अब हम सेकेंड पॉइंट पे चेक करते हैं, व्हेन एक्स इज 7π/4, तो एफ डबल डैश एक्स में डाल दो, एफ डबल डैश ऑफ 7π/4 क्या होगा, यहां से माइनस साइन
7 pi by 4 plus cos 7 pi by 4 equals to, अब देखो minus as it is, 7 pi by 4 means fourth quadrant में sin क्या होता है? Negative, so negative आ गया, और इसकी value क्या होगी? 1 by root 2, plus cos fourth quadrant में क्या होता है? Positive, so positive, और इसकी value क्या होती है? This, 1 by root 2, so 1 by root 2 plus 1 by root 2 क्या आ गया? 2 by root 2, जो greater than 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? X equals to 7 pi by 4 is a point of local minima greater than 0 अगर double derivative तो point of local minima आता है और इसकी minimum value क्या होगी यहाँ function में substitute कर दो f of 7 pi by 4 क्या हो जाएगा sine of 7 pi by 4 minus cos of 7 pi by 4 ठीक है sin 7 pi by 4 क्या होता है minus 1 by root 2 माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी cos 7 pi by 4 1 by root 2 तो ये क्या आ गया minus 2 by root 2 इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ गई मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट 2 ठीक है आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख सकते हैं कैसे ये वैल्यूज निकलेंगी sin 7 pi by 4 cos 7 pi by 4 उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है आप वहां से रेफर कर सकते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन भी 3 टाइम्स एग्जाम्स में आ चुका है ये वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड है इफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन क्या गिवन है एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी राइट एंगल एट बी हाइपोटेन्यूज की लेंथ प्लस कोई भी एक साइड की लेंथ आपको गिवन है मैंने उसे सपोज कर लिया के के यहां पे कांस्टेंट है ठीक है आपको क्या शो करना है कि जो ट्रायंगल का एरिया है वो मैक्सिमम है मींस आपको क्या करना है मैक्सिमाइज करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट हाफ इनटू बेस क्या है x और हाइट कैसे निकाल लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की पाइथागोरस थ्योरम लगा के मींस y स्क्वायर equals to x square plus this square तो यहां से क्या आ गया ये under root y square minus x square आ गया यहां पे बेस क्या है x और हाइट क्या है under root y square minus x square और आपको एक और चीज शो करनी है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा एंगल मैंने लिया है ये pi by 3 है सबसे पहले हम एरिया वन वेरिएबल में चेंज करेंगे यहां पे टू वेरिएबल्स हैं x एंड y इसको वन वेरिएबल में चेंज कैसे करूंगी मैं यहां से y की वैल्यू ले लो y क्या हो जाएगा k minus x यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारा a क्या बन गया half into x into under root k minus x whole square minus x square ये बन गया अब मैं square into both the side a square क्या होता है half into square into both the side 4 x square k minus x whole square माइनस x स्क्वायर इसको मैंने सिंपलीफाई किया मुझे ये मिल गया a स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2k x क्यूब बाय 4 अब मुझे क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मींस dA बाय dx dA बाय dx मेरा ये आ गया डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 रख के x की वैल्यू निकालनी होती है मेरी x की वैल्यू आ गई k बाय 3 ये आप इजीली कर लेंगे बहुत इजी स्टेप्स हैं उसके बाद मुझे क्या करना होता है सेकंड डेरिवेटिव निकालना होता है और सेकंड डेरिवेटिव में x की ये वैल्यू पुट करके देखना है कि वो लेस देन 0 आ रहा है या ग्रेटर देन 0 आ रहा है लेस देन 0 मींस लोकल मैक्सिमा ग्रेटर देन 0 मींस लोकल मिनिमा तो ये मेरा आ गया डबल डेरिवेटिव 2k2 12kx/4 इसमें मैंने वैल्यू पुट की k/3 मेरा आ गया -k2/4 ये क्या है नेगेटिव दैट इज लेस देन 0 इट मींस x k/3 is a point of local maxima तो ये तो प्रूव हो गया कि जो हमारा एरिया है वो मैक्सिमम है ठीक है ये हमने एक चीज प्रूव कर दी अब हमें क्या करना है थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 ये शो करना है आप देखो इन ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी cos थीटा अगर मुझे निकालना हो तो वो क्या होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज x बाय y x की वैल्यू मुझे पता है k by 3 अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा थीटा आ जाएगा यहां से आप देखो x plus y it is given that x plus y equals to k हमें पता है x मैंने निकाल लिया k by 3 तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी
y equals to 3k minus k by 3. y मेरा क्या आ गया 2k by 3. y की वैल्यू मुझे मिल गई 2k by 3. तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो. cos theta equals to x क्या है k by 3 upon y क्या है 2k by 3. So cos theta मेरा क्या आ गया 1 by 2. और थीटा क्या आ जाएगा कोस की वैल्यू 1 बाय 3 कहाँ होती है पाई बाय 3 पे. यही मुझे शो करना था. हैंस प्रूव्ड. थर्ड क्वेश्चन इज ये भी काफी ऊपर एग्जाम्स में आ चुका है. एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस. एक बॉक्स लेना है जो जिसका टॉप नहीं है. ओपन बॉक्स है. ओपन बॉक्स या सिंपली बॉक्स जो होता है वो किस शेप में होता है क्यूबॉइड की शेप में होता है. Is to be made out of a given quantity of cardboard of area. Area हमें given है c square square units. Normally जो हमारा box है जो हमारा cuboid है उसका area क्या होता है 2 into length breadth plus breadth height plus length height. ये होता है हमारा area of cuboid. ठीक है इसमें बोल रहा है कि box open है. Means ये हमारा क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ. हम सिर्फ बेस का लेंगे टॉप का नहीं लेंगे. तो हमारा एरिया क्या बन गया लेंथ ब्रेथ प्लस 2bh प्लस 2hl. ठीक है. शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज c क्यूब बाय 6 अंडर रूट 3 क्यूबिक यूनिट्स. ये आपको शो करना है. देखो स्क्वायर बेस है मींस जो हमारी लेंथ और ब्रेथ है वो इक्वल होंगी. स्क्वायर का मतलब क्या होता है सारी साइड्स इक्वल है. लेंथ ब्रेथ इक्वल है बेस की तो मेरी लेंथ भी एक्स हो गई ब्रेथ भी एक्स हो गई और हाइट मैंने वाई यूनिट सपोज कर दी. ठीक है तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दो. ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई एक्स. तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई. ये क्या आ गया एरिया ऑफ क्यूबॉइड. और हमें एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या गिवन है सिक्स स्क्वायर सी स्क्वायर. तो इक्वल्स टू सी स्क्वायर पुट कर लेंगे. इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लो. ये मेरी आ गई c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4x. y की वैल्यू मैंने क्यों निकाली है आगे जब इक्वेशन टू वेरिएबल्स में आएंगी वहां पे हमें सब्स्टिट्यूट करने में हेल्प मिलेगी. ठीक है हमें क्या मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम. यू हैव टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम. आप देखो वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइड की लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो यहाँ पे लेंथ x है ब्रेथ x है और हाइट y है. तो वॉल्यूम क्या बन गई एक्स स्क्वायर वाई. y की वैल्यू ये मैंने निकाली थी ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी. उसके बाद हम क्या निकालते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. सो इसका dy by dx निकालो. x वेरिएबल है c कांस्टेंट है. ये मेरा आ गया इसको इक्वल्स टू जीरो रख के मैंने x की वैल्यू निकाली है जो मेरी आई है c बाय अंडर रूट 3. उसके बाद मुझे क्या निकालना होता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के लिए डबल डेरिवेटिव. v डबल डैश x मेरा आ गया माइनस 3x बाय 2. इसमें मैं क्या करूंगी x इक्वल्स टू c बाय अंडर रूट 3 वैल्यू पुट करूंगी. c बाय अंडर रूट 3 मैंने वैल्यू पुट की ये बन गया माइनस 3 इंटू सी बाय 2 अंडर रूट 3. तो ये जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है. ठीक है इट मींस दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू c बाय अंडर रूट 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आ गया ये. ठीक है हमने ये तो शो कर दी जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है ये शो कर दी. अब हमें ये शो करना है कि जो वॉल्यूम है वो सी स्क्वायर बाय 6 अंडर रूट 3 क्यूबिक मीटर है. मींस वॉल्यूम में हम एक्स और वाई की वैल्यू लगा के मींस वॉल्यूम में हम एक्स और वाई की वैल्यू डाल के हमें सी स्क्वायर बाय 6 अंडर रूट 3 चाहिए. एक्स की वैल्यू मेरी आ गई सी बाय अंडर रूट 3. एक्स की वैल्यू को हम मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x में. तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी c बाय 2 अंडर रूट 3. एक्स वाई की वैल्यू आ गई. वॉल्यूम क्या है हमारी एक्स स्क्वायर वाई. तो x की जगह रख दो c बाय अंडर रूट 3 होल स्क्वायर और y की जगह c बाय 2 अंडर रूट 3. तो ये मेरा बन गया c क्यूब बाय 6 अंडर रूट 3 क्यूबिक यूनिट्स. क्लियर. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज शो दैट द हाइट ऑफ द क्लोज सिलेंडर. सिलेंडर किस शेप में होता है क्लोज सिलेंडर है. ठीक है क्लोज सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस देखो ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर. ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर और इसका एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच. तो क्या बन गया सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच क्लोज सर्कुलर सिलेंडर का. ठीक है
आपको क्या शो करना है, शो दैट द हाइट ऑफ द क्लोज सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आपको गिवन है, मीन्स एस आपको गिवन है, एस इज नोन क्वांटिटी, सम कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, तो जो हाइट है वो इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ इट्स बेस, बेस के डायमीटर के इक्वल है, मीन्स आपको क्या शो करना है, एच इक्वल्स टू टू आर, यहाँ पे एच इक्वल्स टू डी है, डायमीटर क्या होता है टू आर, ठीक है, ये आपको शो करना है. और एक और चीज है, आपको मैक्सिमाइज करनी है वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको मैक्सिमम करनी है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमाइज वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है राइट सर्कुलर सिलेंडर की, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होती है, ठीक है. सरफेस एरिया आपको गिवन है टू पाई आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर एच, जहां पे आर और एच जो है रेडियस एंड हाइट है क्लोज सर्कुलर सिलेंडर की, और एस जो है सम कॉन्स्टेंट है बिकॉज ये आपको गिवन है सरफेस एरिया, ठीक है. यहां से मैं एच की वैल्यू निकाल लूंगी, मेरी ये आ गई एच की वैल्यू. अब हमें मैक्सिमाइज करनी है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे एच की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी. सबसे पहले हम निकालेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मेरा डेरिवेटिव आ गया, इसको मैंने जीरो पुट करके इक्वेशन बनाई है, मेरा क्या आ गया एस इक्वल्स टू सिक्स पाई आर स्क्वायर, ये आ गई मेरी एस कॉन्स्टेंट है, सिक्स कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, यहां से आर आ गया. अब मुझे क्या निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव वी डबल डैश एक्स, ये क्या होगा एस बाय टू कॉन्स्टेंट है इसका जीरो हो गया, माइनस आर यहां वेरिएबल है, माइनस सिक्स पाई आर जिसकी वैल्यू लेस देन जीरो है बिकॉज सिक्स एंड पाई कॉन्स्टेंट है और आर जो है पॉजिटिव है, ठीक है. यहां से आर आ जाएगा एस बाय सिक्स पाई अंडर रूट, तो पॉजिटिव हो गया आर, है ना. दिस इंप्लाइज वॉल्यूम इज मैक्सिमम, एट आर इक्वल्स टू अंडर रूट एस पाई सिक्स पाई, मैक्सिमम हो गई वॉल्यूम इस आर पे. अब सेकेंड हमें क्या शो करना है, एच इक्वल्स टू टू आर, ये शो करना है दैट हाइट इज इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, मीन्स हाइट इक्वल्स टू डी शो करना है, डी क्या होता है टू आर, सो एच इक्वल्स टू टू आर शो करना है. अब देखिए यहां पे मेरा एस क्या था सिक्स पाई आर स्क्वायर, और एस मेरा क्या होता है टू पाई आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर एच, तो ये किसके इक्वल हो गया सिक्स पाई आर स्क्वायर. जस्ट सिंप्लीफाई करो, यहां से क्या आ गया टू आर इक्वल्स टू एच, हैंस प्रूव्ड. आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो 5 to 6 टाइम्स एग्जाम्स में आ चुके हैं. टिल देन बाय.